दोस्तों, हम लेके जा रहे हैं यहाँ से सामान। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका हमारे और ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं रात में 9 बजे से, और जो कि यहाँ पे ये अन्य लोग बोल रहे थे कि हमें भी ब्लॉग में बताओ, तो हाय करो, हाय करो, बोल हाय, कैसे हो? तो यार ये यहाँ पे खेलने लग गए। हमारा बन रहा है अभी खाना, जो कि सब्जी बन गई है। आज है 2 किस्म की सब्जी, तो इस पे है आलू बताशा और इस पे पत्ता गोभी की सब्जी, और भाभी बना रही है अभी रोटी, मैं बना रही हूँ अभी रोटी। तो हमारा चूल्हा ऐसा है, यहाँ मतलब यहाँ नीचे से आग चलाते हैं, और जो इसका धुआं होता है ना, मतलब यहाँ पे छेद है ना, तो यहाँ से ऊपर चला जाता है, और इस चक्कर से अंदर धुआं नहीं होता। जब बाहर हवा होती है ना, तब हाँ जब बाहर हवा होती है तब यहाँ ऊपर छत से जो धुआं होता है ना, तो हवा की वजह से वो अंदर आ जाता है। अभी मम्मी लोग घर पे नहीं है, और मम्मी और भाई लोग गए हैं अभी ऊपर दीदी लोगों के घर पे, और यहाँ बाहर देखो बारिश हो रही है अभी, तो रुक गई है, आगे समय ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं अपनी फैमिली से मिलाती हूँ, तो अपने दीदी लोगों को भी बताती हूँ मैं आज इस वीडियो में, ठीक। तो यार यहाँ पे है मेरे भाई, बड़े वाला भाई, और भाभी, और अन्नू और काकू। उस टाइम छोटा वाला नहीं हुआ था आयान, तो उसकी फ़ोटो तो नहीं है वहाँ पे। और ये भी इनकी है आयांश को छोड़ के, बाकी अन्नू और भाई लोगों की फोटो है। और यहाँ पे ये भाई की शादी की फ़ोटो है, और यहाँ पे मेरी छोटी वाली दीदी जो है उसकी शादी की फ़ोटो है, और यहाँ पे हमारी शादी की फ़ोटो है, मेरी शादी की फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो, और एक फ़ोटो ये है। तो इसमें देखो मैं कितनी छोटी बच्ची हूँ, मतलब छोटी थी मैं उस टाइम। और यहाँ पे मेरा ये बड़ा वाला भाई है, ये मेरी छोटी वाली दीदी है, और ये मेरे पापा है, ये मेरे मम्मी है, और ये मेरे भतीजा की भतीजा बोलती हूँ मैं इसको, तो उनकी शादी की फ़ोटो है ये, मेरी एक हमारी शादी की फ़ोटो है। इस कमरे में ना कोई नहीं रहता है, क्योंकि जब मेहमान लोग आते हैं तो हम इस कमरे में सोते हैं, और उस वाले कमरे में जहाँ हम सोते हैं वहाँ मेहमान रहते हैं। और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ हमारा बस ऐसी है, यहाँ लकड़ी और ये सामान खाने पीने का सामान है। और मम्मी लोग नहीं आए अभी, जो कि 8 बजे के करीब चले गए थे, वो पता नहीं कब आएंगे। तो पता है भाभी रोटी बना रही है, सब्जी तो बन गई है। कल ये लोग जा रहे हैं दिल्ली, अनन्या और भाई लोग जा रहे हैं दिल्ली, दूसरे दो दिन रहेगा उसके बाद, तो मम्मी और छोटा वाला भाई रहेगा उसके बाद, तो मैं भी चली जाऊँगी 1.5 हफ्ते बाद, तो मैं भी चली जाऊँगी ससुराल। अनु बोल पे आ रही थी काकू, अनु बोल टीटी जानी है फोन तो कौन कर मैं करे पा कर गया। ये अच्छी है और ये गंदी है, अनु ना गंदी है। काकू फोन कर रही हैं, वीडियो कॉल कर रही हैं। 2-3 साल के थे मैं, हम लोग भी गए थे, पापा हमको लेके गए थे वहाँ पे, तो फिर मतलब मैं भी गई थी। और जब मैं दिल्ली पहुँची ना, तो मेरा वहाँ पे मन ही नहीं लगा, और जब मैं फर्स्ट टाइम गई ना, तो मुझे ना वहाँ पहाड़ पहाड़ कुछ नहीं दिखाई दिया था, ऐसे जहाँ भी जाती थी ना, जिधर भी देखती थी बस घर ही घर। मैंने अपने मम्मी को बोला, मम्मी ये है दिल्ली, तो मुझे नहीं पता कि दिल्ली ऐसा होता है। मैंने तो कहा पता नहीं कैसा था दिल्ली, तो मैं लगी रही कि मम्मी मुझे अगर पता होता ना कि दिल्ली ऐसा है, तो मैं कभी नहीं आती दिल्ली में। और ज़्यादा नहीं थी मैं, 3 या 4 साल की थी शायद, नहीं थी मैं 3-4 साल की। और मैंने बोला था क्योंकि मेरा मन नहीं लगा था ना शायद, तो मैं लगी थी कि नहीं मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो यार अब मैं खिला रही हूँ इनको खाना, जो कि भाभी लेके आ गई इन दोनों के लिए खाना, और काकू भी खाएगी, अन्न भी खाएगी। खाओगे ना तुम लोग रोटी? चलो आ जाओ, तू भी खाएगी। क्या खाएगी तुम? है सब्जी।
यहाँ पे मैंने खिला दिया लोगों को खाना, और जो कि अम्मा तो सो गई है, काकू नहीं सोई अभी, उस पर दवाई लगा रहे हैं जो उसके ऊपर पेट पे वो दाने हो रहे हैं ना, तो अभी उस पर दवाई लगा रहे हैं। अब तो ठीक हो गया लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। ब्लॉग शुरू कर दिया था मैंने कल रात को, और अभी अन्नू और भी तैयार हो गए हैं। देखो अभी 7 बज रहे हैं और 7:30 बजे आएगी गाड़ी, तो मिलते हैं आगे। यार अभी अभी धूप आ रही है जो कि 7:30 हो रही है अभी, और देखो सुबह का मौसम कितना प्यारा है आज का मौसम। कहाँ जाने की तैयारी आज? बोल दे। दिल्ली। दिल्ली किसके साथ? इसको नीचे करना। किसके साथ? पापा के साथ। और कौन जा रहा है? यही दे बेली। और कौन जा रहा है? तो फाइनली दोस्तों हम लेके जा रहे हैं यहाँ से सामान, जो कि गाड़ी आने वाली है, यहाँ है अन्नू और भाभी लोग आने वाले हैं अभी, तो अभी हम इन सामान को लेके जा रहे हैं वहाँ। फिर उसके बाद चावल चुवल भी है और भी सामान है तो भी लेके जाएंगे। अभी पहले भाभी और को इंतज़ार करते हम यहाँ पर। तो यार पीछे से आ गई गाड़ी भी, देख सकते हो आप। अभी मैं जा रही हूँ फिर से, और भी सामान है, और भी सामान लाएंगे। और यहाँ ऊपर में ना मेरी दोस्त है, तो भी ना हंस रही है, और एक ही है यहाँ पे जो कि कह रही है कम बनो कम। क्या बनाना कम? हाय तो कर हाय बोलो कुछ। यार ये ना मेरे फ्रेंड है, स्कूल के फ्रेंड, जो कि इसी गांव में रहती है, और 2-3 और है वो दूसरे गाँव में रहती है। और यहाँ पर भाभी जी भी जा रही है सामान ले कर, तो अभी थोड़ा सामान और है तो उसे लेके जाते हैं, इसे मिलते हैं तब बाद में, ठीक है? तो यार हमने सामान रख दिया है उसके ऊपर, अभी बस जाने की तैयारी। ठीक है ठीक है। तब बच्चे मजा आ रही है। कहाँ पर गए? चलो ठीक है, फिर बाबू अन्य लोग और आज चले गए हैं, और मैं आ गई हूँ वहाँ सड़क से ऊपर अपने घर पे। थोड़ी देर तक वहीं थे बैठे हुए, तो मम्मी लोग और अभी नहीं आए, वो वहीं हैं। तो यार आज ना कितना बेकार सा लग रहा है, क्योंकि होता है ना यार बच्चों के बिना घर में रहते थे तो शोर मचाते थे, इधर उधर जाते थे, है ना। तो हाँ, जो चले गए दिल्ली, अब पता नहीं कब आएंगे। और वैसे भी जाना तो है ना, सबको जाना पड़ता है तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए इस चक्कर से। और अब तो घर में कोई नहीं है, बस छोटा वाला भाई रहेगा और मम्मी रहेगी। अब बस मैं भी जाऊंगी,
दो चार दिन के बाद में मैं भी चली जाऊंगी, फिर ऐसे ही रहे घर में अकेला अकेला सा। और जिनके घर में बच्चे होंगे ना, उन्हें पता होगा कि जब वो जाते हैं ना घर से कहीं भी, तो कितना गंदा सा लगता है ना, मन ही नहीं लगता दो तीन दिन तक। फिर उसके बाद तो धीरे धीरे तो आदत पड़ जाती है, लेकिन शुरू शुरू में ऐसे बेकार बेकार सा लगता है।